मैं राम स्वरूप, सहायक आचार्य प्राणी शास्त्र, आप सभी के लिए शानदार वीडियो सीरीज लेकर आया हूं, जिससे बीएससी व एमएससी करने वाले सभी हिंदी मीडियम के विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। आज हम पढ़ेंगे इकोलॉजी का महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है सीमाकारी कारकों की अवधारणाएं। ये बीएससी थर्ड ईयर और एमएससी फाइनल ईयर जूलॉजी के विद्यार्थियों के लिए है। इसके नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाले भाग में उपलब्ध करा दिया जाएगा। हमारा आज का जो टॉपिक है, इसके मुख्य बिंदु कौन कौन से है, परिचय हम देखेंगे, लिबिंग का न्यूनतमता का सिद्धांत व इसके सहायक नियम हम देखेंगे, ब्लैकमेल का, सीमाकारी कारकों का नियम देखेंगे, सेल्फोर्ड का सहनशीलता सहिष्णुता का नियम और सीमाकारी कारकों का महत्व है। ये हम मुख्य बिंदु इस आज की वीडियो में देखेंगे। पहले परिचय देखते हैं, परिभाषा देखते हैं, सीमाकारी कारक क्या होते हैं। सीमाकारी कारक वे कारक होते हैं जो अधिकता में उपस्थित नहीं होते हैं। सीमाकारी कारक पर्यावरणीय स्थिति या स्रोत होते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव अथवा जनसंख्या की वृद्धि, वितरण या बाहुलता को सीमित करती है। ये कारक भौतिकीय या जैविक हो सकते, जिन्हें समष्टि की वृद्धि या वितरण में कमी या अधिकता से पहचाना जा सकता है। यानी सीमाकारी कारक वे कारक होते हैं जो किसी भी जीव की वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी भी पौधे की वृद्धि या किसी जीव की वृद्धि के लिए जो न्यूनतम मात्रा में आवश्यक होता है, उसकी मात्रा यदि कम है तो वो सीमाकारी कारक की तरह बिहेव करता है। ये सीमाकारी कारक होते हैं। इससे आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं लिबिंग का न्यूनतमता का सिद्धांत दिया था उन्होंने। अपने सिद्धांत को एक ही बकेट से समझाया था। ये देखो, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो अलग अलग कॉलम बनाए हैं, ये एक तरह से पर्यावरणीय कारक हैं, जैसे वाटर हो गया, लाइट हो गई, सोडियम है, सल्फर है, कैल्शियम है, और इसके अंदर जो भरा हुआ है वो आप वृद्धि के रूप में ले सकते हो, यील्ड उत्पादकता के रूप में ले सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो जो सबसे कम मात्रा में, देखो इसकी मात्रा यहाँ पर, ये जो भी है पर्यावरणीय कारण, उसकी मात्रा यहाँ पर कम, आप यहाँ इतना मान सकते हो कि यहाँ मात्रा, जैसे इसकी इतनी मान सकते हो आप, यहाँ ये इनकी मात्रा है, इसकी सबसे कम मात्रा है, इसलिए उत्पादकता यहाँ से लीक हो रही है, वृद्धि कम हो रही है, रुक रही है। किसके कारण? सबसे कम मात्रा में जो पर्यावरणीय कारक उपस्थित है उसके कारण। इसी के आधार पर लिबिंग ने न्यूनतमता का सिद्धांत दिया था। लिबिंग ने पौधों की वृद्धि पर कार्य किया था, इसलिए इनका जो सिद्धांत है वो पौधों की वृद्धि से संबंधित है। क्या सिद्धांत है देखते हैं। लिबिंग के अनुसार यदि एक वृद्धि कारक, जिसको हम पोषक कारक भी कह सकते हैं, आवश्यकता के रूप में न्यूनतम मात्रा में हो, न्यूनतम या कम से कम मात्रा में हो, बहुत अच्छी डेफिनेशन है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से याद करना आपको। यदि एक वृद्धि कारक पोषक कारक आवश्यकता के रूप में न्यूनतम अथवा कम से कम मात्रा में हो, तब पादप की वृद्धि सीमित होती है।
चाहे अन्य कारक कितनी भी मात्रा में, यानी पर्याप्त मात्रा में क्यों ना हो, कितनी भी मात्रा में क्यों ना हो। पादप की वृद्धि उस न्यूनतम कारक या पोषक की मात्रा बढ़ाकर पादप की वृद्धि को उस न्यूनतम कारक अथवा पोषक की मात्रा बढ़ाकर बढ़ा सकते हैं। फिर से समझते हैं, यदि एक वृद्धि कारक या पोषक कारक आवश्यकता के रूप में न्यूनतम मात्रा में हो, तब पादप की वृद्धि सीमित होती है, चाहे अन्य कारक कितने भी मात्रा में क्यों ना हो। पादप की वृद्धि उस न्यूनतम कारक की मात्रा बढ़ाकर हम बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ ये डायग्राम आप देख रहे हो, ये कोई पौधा है, प्लांट है, ठीक है। यहाँ बहुत सारे कारक उपस्थित है, जल भी है यहाँ पर, यहाँ पर दूसरे कारक है जो मैंने अलग अलग संकेत या चिन्ह से उनको प्रदर्शित किया है। यहाँ पे जो रेड वाला मैंने शो किया है वो एक सीमाकारी कारक के रूप में बिहेव कर रहा है। अब हम इसकी मात्रा बढ़ाते हैं, यहाँ पर जब हम इसकी मात्रा बढ़ाते हैं जिसकी जो सीमाकारी कारक है, तब पौधे की वृद्धि बढ़ती है। ये लेबिग का न्यूनतमता का सिद्धांत है। ये नियम केवल उन रासायनिक कारकों जैसे ऑक्सीजन, फॉस्फोरस पर ही लागू होता है जो कारकीय वृद्धि व प्रजनन के लिए आवश्यक होते हैं। ये नियम कौन से रासायनिक कारकों पर लागू होता है? वे रासायनिक कारक जैसे O2 है, फॉस्फोरस है, जो पौधे की कारकीय वृद्धि व प्रजनन के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से और हम समझते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे हम समझते हैं। आपने केमिस्ट्री में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी होगी, सोडियम क्लोराइड का निर्माण भी पढ़ा होगा। यहाँ मैं देखता हूँ 23 ग्राम सोडियम और 35 ग्राम क्लोराइड से हम क्या बनाते हैं, 58 ग्राम NaCl। अब यदि मैं सोडियम की मात्रा बढ़ा दूं, इसको 500 ग्राम कर दूं, तब भी कितना हमारे पास NaCl बनेगा, 58 ग्राम। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्लोराइड 35 ग्राम ही है, 35 ग्राम क्लोराइड 23 ग्राम सोडियम को ही लेगा, बाकी सोडियम वो उपयोग नहीं करेगा। तो यहाँ पर 35 ग्राम जो क्लोराइड है वो एक तरह से सीमाकारी कारक है। जब तक हम इसकी मात्रा नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमें NaCl अधिक मात्रा में प्राप्त नहीं होगा। यहाँ मैंने 500 ग्राम कर दी, अब मैं इसकी मात्रा बढ़ाऊँगा तो इसकी मात्रा भी साथ में बढ़ेगी। ये लिबिंग के सिद्धांत का एक्सप्लेनेशन है। इसी प्रकार किसी पादप की वृद्धि के लिए
चाहे जल, CO2 या अन्य पोषक कितने भी मात्रा में क्यों ना हो, पादप की वृद्धि के लिए बोरोन जैसे अल्पकारक हमेशा निर्धारक होते हैं। पादप की वृद्धि के लिए बोरोन जैसे कारक हमेशा निर्धारक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सीमाकारी कारक की तरह बिहेव करती है। तो ये लिबिंग का न्यूनतमता का सिद्धांत है। इसके कुछ सहायक नियम हैं जो इसी नियम को विस्तार से समझाते हैं। कौन कौन से सहायक नियम है? पहला सहायक नियम है स्थिर दशा का सिद्धांत, और दूसरा सहायक नियम है कारकों की अंतःक्रिया या अनुन्य क्रिया का सिद्धांत, कारकों की अंतःक्रिया या अनुन्य क्रिया का सिद्धांत। विद्यार्थियों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ ना, ये आपको किताबों में नेट पे एक जगह नहीं मिलेगा। ये अच्छी अच्छी किताबों का सार, कई किताबों का नेट से, अच्छी अच्छी बुक से मैंने कलेक्ट करके आपको एक नोट्स के रूप में पढ़ा रहा हूँ। ये इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना, इनको याद रखना। पहला सिद्धांत है स्थिर दशा का सिद्धांत, दूसरा कारकों की अंतःक्रिया या अनुन्य क्रिया का सिद्धांत। स्थिर दशा का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ स्टेडी स्टेट, इंग्लिश में याद मत रखना, हिंदी में रखना। आप हिंदी के लिए बनाया ना मैंने, तो इसलिए हिंदी का ही याद रखना है। इस सिद्धांत के अनुसार जो पहला सहायक सिद्धांत है स्थिर दशा का सिद्धांत, इसके अनुसार लिबिंग का नियम केवल स्थिर या स्थायी वातावरणीय दशा में ही लागू होता है। स्थिर दशा का सिद्धांत क्या कहता है कि लिबिक का नियम केवल स्थिर अथवा स्थायी वातावरणीय दशा में ही लागू होता है। यदि पारिस्थितिकी तंत्र स्थिर और स्थायी है, उस दशा में लिबिक का नियम कार्य करता है। उसमें यदि परिवर्तन हो गया, यदि वातावरणीय परिस्थितियां बदल गई, तब लिबिक का नियम लागू नहीं होता। यानी तब कोई कारक सीमाकारी कारक के रूप में बिहेव नहीं करता, तब सारे के सारे कारक है वो एक समान क्रिया करते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी झील की हम चर्चा करते हैं। झील के अंदर बहुत सारे प्लांट्स हैं, छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट वाले पौधे हैं, क्लोरोफिल वाले कई जीव हैं। वहाँ का एक निश्चित वातावरण है, वहाँ पर CO2 की मात्रा नियत है, जितनी उत्पादकता है और जितनी अपशिष्ट पदार्थों से बन रही है, उनके बीच का जो संतुलन है वो बना रहता है। और CO2 वहाँ पे एक सीमाकारी कारक की तरह बिहेव करता है। CO2 किसकी तरह बिहेव करता है? सीमाकारी कारकों की तरह बिहेव करता है। मान लीजिए एक समय के लिए अन्य जो कारक है, जैसे O2 है, लाइट है, फॉस्फोरस है, अब आदि पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और प्रकाश, कौन से? नाइट्रोजन, प्रकाश व फॉस्फोरस। ये क्या है? ये
पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है, ये पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है। स्थिर वातावरणीय अवस्था है, इसलिए CO2 यहाँ पर एक सीमाकारी कारक की तरह बिहेव कर रहा है। CO2 सीमाकारी कारक की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन वातावरणीय परिस्थितियाँ बदल जाती है। मान लो वातावरणीय परिस्थितियाँ बदल गई, तूफान आ गया या बाढ़ आ गई, तूफान या बाढ़ आने से जो झील का स्थिर वातावरणीय अवस्था है, दशा है, वो परिवर्तित हो जाती है, वो अस्थिर हो जाती है। बाढ़ या तूफान आने से झील का जो आंतरिक वातावरण है उसमें परिवर्तन होता है। उसके कारण CO2 की जो मात्रा है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है, वो बढ़ जाती है अचानक ही CO2 की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। CO2 की मात्रा अचानक बढ़ जाएगी, तब वो सीमाकारी कारक नहीं रहेगा, सीमाकारी कारक नहीं रहेगा। इस स्थिति में पौधों की उत्पादकता के लिए अन्य कारक प्रभावी हो जाएंगे, फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन है, लाइट है, ये सारे प्रभावी हो जाएंगे और उस कंडीशन में सारे के सारे फैक्टर एक साथ क्रिया करेंगे उस वातावरण को वापस स्थिर अवस्था में लाने के लिए। और तब तक वो अंतःक्रिया करते रहेंगे जब तक कि वापस उस झील का जो आंतरिक वातावरण है वो स्थिर ना हो जाए। जब स्थिर हो जाएगा तो 99% संभावना वही रहती है जो CO2 को सीमाकारी कारक बनाती है, यानी वापस CO2 ही सीमाकारी कारक बनेगा, ऐसी परिस्थितियाँ वापस निर्मित हो जाएगी। तो ये है स्थिर दशा का सिद्धांत। ये क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्थिर दशा का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है कारकों की अंतःक्रिया, दूसरा सिद्धांत है कारकों की अंतःक्रिया या अनुन्य क्रिया का सिद्धांत। यहाँ देखो इस डायग्राम के पास में जो दूसरा लिखा हुआ है कारक सिद्धांत, कारकों की अंतःक्रिया या अनुन्य क्रिया का सिद्धांत। यहाँ शब्द से ही पता चल रहा है कि कारकों के बीच में अनुन्य क्रियाएं होगी, कारकों के बीच में कुछ इस प्रकार की क्रियाएं होगी जिससे जो सीमाकारी कारक है वो बदल जाएगा, सीमाकारी कारक है वो बदल सकता है। दो परिस्थितियाँ हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं यहाँ डायग्राम में, देखो इधर ये डायग्राम बना हुआ है, इधर इस मैं यहाँ डायग्राम को कोष्ठक के अंदर बंद कर रहा हूँ। यहाँ इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे एक स्नेल है, घोंगा है या मोलस्का है, मोलस्का का प्राणी है ये देखो, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया है। आप जानते हो मोलस्का का जो कवच होता है वो किसका बना होता है, मुख्यतः कैल्शियम का बना होता है। ये कैल्शियम को कवच के निर्माण के लिए उपयोग लेता है, परंतु ऐसी वातावरणीय परिस्थितियां आ जाए कि वहाँ पर कैल्शियम की मात्रा बहुत कम हो और कैल्शियम की जगह एक दूसरा कारक है स्ट्रॉन्शियम, वो अत्यधिक मात्रा में हो, तब ये क्या करेगा, ये कैल्शियम की जगह स्ट्रॉन्शियम का यूज करेगा किसमें, कवच निर्माण में। तो यहाँ परिस्थिति चेंज हो गई, एक कारक के लिए जो पहले सीमाकारी कारक कैल्शियम था वो अब कौन सा हो गया, स्ट्रॉन्शियम हो गया, क्योंकि स्ट्रॉन्शियम को ज़्यादा यूज करेगा वो, ये इसके लिए आवश्यक हो गया। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इधर साइड में जो डायग्राम है उसको देखो आप। यहाँ मैंने दो पौधे दिखाए, एक बड़ा दिखाया है एक छोटा दिखाया है। एक सामान्य अवस्था में पादप की वृद्धि के लिए सूर्य की रोशनी आवश्यक होती है। सूर्य के प्रकाश में पौधे भूमि से किसको ग्रहण करते हैं, जिंक को ग्रहण करते हैं। जिंक पादप की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है जब वो सूर्य के प्रकाश में हो। यहाँ जिंक क्या है, सीमाकारी कारक है,
जिंक यहाँ पर किस तरह व्यवहार करता है, सीमाकारी कारक की तरह, यानी न्यूनतम मात्रा जिंक की आवश्यक होती है। लेकिन परिस्थितियां बदल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उस प्लांट की वृद्धि हम सूर्य की रोशनी में ना करके छाया में करते हैं, छाया में, यानी अब सूर्य की रोशनी उपलब्ध नहीं है, उस स्थिति में ये पौधा क्या करेगा, जिंक को कम ग्रहण करेगा, जिंक की इसे आवश्यकता कम होगी। इस स्थिति में जिंक यहाँ पर सीमाकारी कारक नहीं रह पाएगा, सीमाकारी कारक नहीं रह पाएगा। ये कारकों की अंतःक्रिया या अनुनय क्रियाओं का उदाहरण है जो लिबिंग के सिद्धांत को थोड़ा सा मॉडिफाई करता है, विस्तारित करते हैं। ये दो सहायक नियम भी आपको ध्यान रखने हैं, लिबिंग के नियम के साथ इन दो सहायक नियमों को भी आपको समझाना है। तो दूसरा जो नियम है उसको यदि हम परिभाषा के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, इस नियम के अनुसार, दूसरे नियम का मैं इधर लिख रहा हूँ साइड में, यहाँ मैं लिख रहा हूँ दूसरा जो नियम है उसकी परिभाषा में यहाँ लिख रहा हूँ, ये जो दूसरा नियम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों उसकी मैं परिभाषा यहाँ पर लिख रहा हूँ। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, थोड़ी राइटिंग बहुत खराब है, सुधारूंगा धीरे धीरे। इस नियम के अनुसार यदि वातावरण में किसी पदार्थ, यदि वातावरण में किसी पदार्थ विशेष की अधिकता, किसी पदार्थ विशेष की अधिकता है और सबसे कम आवश्यकता वाला पदार्थ उपलब्ध नहीं है, तब उस सबसे कम मात्रा वाले पदार्थ की उपयोगिता दर बदल सकती है, यानी उस सबसे कम मात्रा वाले पदार्थ की उपयोगिता दर, यानी कोई पौधा या जीव उस सबसे कम मात्रा वाले पदार्थ को नहीं लेगा, उसका उपयोग नहीं करेगा, उसकी जगह जो अत्यधिक मात्रा में उसका उपयोग करेगा। कुछ पादपों में कम मात्रा वाले पदार्थ की अपेक्षा अधिक मात्रा वाले तत्व को अत्यधिक मात्रा में उपयोग करना शुरू कर लिया जाता है, जैसे अभी हमने ये एग्जाम्पल यहाँ पे देखा, किसका, मोलस्का का एग्जाम्पल हमने देखा। ऐसे ही हमने दूसरा एग्जाम्पल देखा, कौन सा, यहाँ पौधे का देखा, यहाँ पर अनुनय क्रिया हो रही है दोनों ही परिस्थितियों में। आगे हम चलते हैं दूसरी सिद्धांत की ओर, ब्लैकमेल का सीमाकारी कारकों का सिद्धांत, ब्लैकमेल का सीमाकारी कारकों का सिद्धांत। ये सिद्धांत लिबिंग के न्यूनतमता के सिद्धांत का परिवर्धित रूप है, यानी उसी का परिवर्धित रूप है। किसका, न्यूनतमता के सिद्धांत का परिवर्धित रूप है। इस सिद्धांत के अनुसार इसकी परिभाषा देखते हैं, जब वृद्धि कई कारकों द्वारा प्रभावित होती है, किसी प्लांट की हो सकती है वृद्धि, किसी जीव की हो सकती है, वो कई कारकों द्वारा प्रभावित होती है, तब वृद्धि की दर न्यूनतम कारक की मात्रा पर निर्भर करती है, न्यूनतम कारक की मात्रा पर निर्भर करती है। न्यूनतम कारक वो होता है जो वृद्धि के लिए आवश्यक मात्रा से कम मात्रा में उपस्थित हो, ये ध्यान रखना है आपको, ये
कंसेप्ट आपको ध्यान रखनी है। न्यूनतम कारक वो होता है जो वृद्धि के लिए आवश्यक मात्रा से कम मात्रा में उपस्थित हो, जितनी आवश्यक मात्रा होती है उससे कम मात्रा में, सभी पदार्थों की मात्रा को हम कंप्लीट करें उस स्थिति में। जैसे कुछ कोई पदार्थ 5 ग्राम चाहिए, कोई पदार्थ 10 ग्राम चाहिए, कोई पदार्थ 15 ग्राम चाहिए। अब 10 ग्राम वाले पदार्थ की मात्रा कम है तो वहाँ पर वो सीमाकारी कारक की तरह बिहेव करेगा, 5 ग्राम वाले की मात्रा कम उपलब्ध है तो वो 5 ग्राम वाला सीमाकारी कारक बनेगा। तो यहाँ पे जो आवश्यक मात्रा होती है उससे कम जो मात्रा में उपस्थित होता है वही न्यूनतम कारक होता है, वही न्यूनतम कारक की तरह बिहेव करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो सिद्धांत है इसके अनुसार एक परिभाषा हम और देख सकते हैं, इसके अनुसार पारिस्थितिकी में सीमाकारी कारकों का सिद्धांत ना केवल जैव भू रासायनिक कारकों बल्कि अन्य सभी स्रोतों जैसे जल प्रकाश आदि को भी सम्मिलित करता है। इस परिभाषा हम देखी, इसमें इसका एक और पॉइंट हम देखते हैं, यानी ये जो सीमाकारी कारकों का सिद्धांत है, ये जो सीमाकारी कारकों का सिद्धांत है ये केवल भू रासायनिक कारकों को ही सम्मिलित नहीं करता है। जो हमने पहला सिद्धांत देखा लेबिग का सिद्धांत, वहाँ पर वो सिद्धांत केवल जैव भू रासायनिक कारकों को ही सम्मिलित करता है। कौन से जैव भू रासायनिक कारक, जैव भू रासायनिक कारक ये कौन सम्मिलित, ये किसमें इंक्लूड किए जाते हैं, सम्मिलित किए जाते हैं लिबिंग के सिद्धांत में, परंतु जो ये ब्लैकमेल का सीमाकारी कारक है वो इसके साथ साथ अन्य स्रोत भी सीमाकारी कारकों की तरह बिहेव करते हैं, यूज करते हैं, जैसे जल हो गया, प्रकाश हो गया, ये भी इंक्लूड करता है, यानी ये सिद्धांत इन स्रोतों को भी इंक्लूड करता है। सीधा सा कंसेप्ट यही है कि ब्लैकमेल के सीमाकारी कारकों के सिद्धांत में जैव रासायनिक कारकों के साथ साथ अन्य कारकों को भी सम्मिलित किया जाता है, ये आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। इस सिद्धांत को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल किसका लेते हैं, एक पादप की पत्ती का लेते हैं, किसकी, पादप की पत्ती है, उसमें प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसका हम अध्ययन करेंगे। उसका हम अध्ययन करेंगे। आप जानते हो प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है, किन किन कारकों की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोप्लास्ट चाहिए, इसको क्या कहते हो आप, हरित लवक, तापमान चाहिए, CO2 चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, और प्लांट की तो आवश्यकता होती है। ये इतने सारे कारकों की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करने के लिए। इनमें से कोई सा भी घटक यदि कम है, किसी भी घटक की मात्रा कम है तो प्रकाश संश्लेषण की दर को क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, दर को प्रभावित कर सकते हैं। कोई भी ऐसे कारक, कोई सा भी हो सकता है, ऐसी कोई भी कारकीय क्रिया, ऐसी कोई भी कारकीय क्रिया जैसे प्रकाश संश्लेषण है, जैसे
ऐसी कोई भी कार्य की क्रिया जो एक से अधिक कारकों द्वारा प्रभावित होती है, सीमाकारी कारकों के नियम द्वारा संपादित होती है। वहाँ पर सीमाकारी कारक का जो नियम है वो लागू होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सीमाकारी कारक के कारण स्थिर रहती है, नियत रहती है। तब हम केवल उस सीमाकारी कारक की मात्रा को बढ़ाकर उस पूरी प्रोसेस को नियंत्रित कर सकते हैं। यहाँ एक डायग्राम आपको दिख रहा है, यहाँ पे साइड में देखो, ये एक डायग्राम है, ये मेरा डायग्राम नया, ये वाला जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक साइड में CO2 की सांद्रता मैंने ली है और एक तरफ प्रकाश संश्लेषण की दर, यानी हम किसका अध्ययन करेंगे, CO2 की सांद्रता का प्रकाश संश्लेषण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। उदाहरण लेते हैं हम एक पत्ती का, एक पत्ती निम्न प्रकाश तीव्रता, एक वो प्रकाश की तीव्रता है, हम मान के चलते एक निश्चित प्रकाश की तीव्रता है, उस प्रकाश की तीव्रता में एक पत्ती के द्वारा 5 मिलीग्राम CO2 पर घंटा, प्रति घंटा उस पत्ती के द्वारा CO2 की मात्रा उपयोग ले जाती है। अब CO2 की सांद्रता हम कम कर देते हैं, सप्लाई कम कर देते हैं, सप्लाई कम करेंगे तो फिर वो कम यूज करेगा। CO2 की सांद्रता कम है तो पत्ती को वहाँ पर कम CO2 से काम चलाना पड़ेगा, वहाँ पर वो CO2 का कम उपयोग करेगी और वो उपयोग की दर कितनी होगी, 1 mg/CO2 या 2 mg/CO2 कम कर। इस स्थिति में प्रकाश संश्लेषण की दर है वो भी कम हो जाती है, 1 mg/CO2 पर घंटा यहाँ उपयोग कर रही है एक निश्चित प्रकाश की तीव्रता पर, यानी यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता पर्याप्त है, प्रकाश की तीव्रता एक तरह से पर्याप्त है। यहाँ पर हम CO2 की सांद्रता यदि बढ़ाए, CO2 की सांद्रता बढ़ाए तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ सकती है, यदि प्रकाश की मात्रा बढ़ाए तो नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि CO2 की मात्रा कम है, प्रकाश की मात्रा कितनी बढ़ा दो जब CO2 की सांद्रता कम है तो वह केवल 1 mg/CO2 पर घंटा के हिसाब से ही उपयोग करेगी। लेकिन मैं CO2 की सांद्रता बढ़ाने से CO2 की सांद्रता बढ़ाने से वो पत्ती CO2 का अधिक उपयोग करेगी, तब प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाएगी। यानी यहाँ पर CO2 एक तरह से क्या है, सीमाकारी कारक है। CO2 यहाँ पर क्या है, सीमाकारी कारक है एक तरह से। अब देखो, अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। एक पत्ती की बात करते हैं, एक पत्ती 5 mg/CO2 पर घंटा उपयोग कर रही है एक निश्चित प्रकाश तीव्रता, वो एक तरह से न्यूनतम है, लो है, मतलब कम है वो, उस पर 5 mg/CO2 यूज कर रही, उपयोग कर रही है। अब यदि CO2 की सांद्रता, अब CO2 की सांद्रता 1 mg, अब यदि CO2 की सांद्रता कम है, CO2 की सांद्रता कम है, तब वो पत्ती कितना उपयोग कर रही है, 1 mg/CO2 पर घंटा, तब वो पत्ती CO2 का कितना यूज कर रही है, 1 mg/CO2 पर घंटा। इस स्थिति में CO2 यहाँ पे क्या है, सीमाकारी कारक। इस स्थिति में CO2 यहाँ पर क्या है, सीमाकारी कारक। अब मैं क्या करता हूँ, CO2 की सांद्रता को बढ़ाता हूँ, CO2 की सांद्रता को बढ़ाता हूँ और बढ़ा के कितना कर देता हूँ, 5 mg, कितना कर देता हूँ, 5 mg सॉरी, अब मैं CO2 की सांद्रता बढ़ाता हूँ, CO2 की सांद्रता बढ़ाऊँगा तो पत्ती की
उपभोग करने की दर बढ़ जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 5 mg CO2 पर घंटा अधिकतम हो जाएगी। किस पर, उस सटे निश्चित तापमान पर, सॉरी निश्चित प्रकाश तीव्रता पर, उस प्रकाश तीव्रता पर इतनी हो जाएगी। और इसको हम इस डायग्राम से कैसे शो कर रहे हैं, ये डायग्राम से शो कर रहे हैं हम ए से बी लाइन तक, जो ए लाइन है, ए लाइन ये कितनी है, ये हमारे पास 1 mg पर घंटा। ए से बी तक की जो लाइन है, यहाँ पर देखो आप डायग्राम, ए से बी तक की जो लाइन है वो किसको शो कर रही है, प्रकाश संश्लेषण की दर को शो कर रही है। प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब हमने CO2 की सांद्रता को बढ़ाया, ध्यान से सुनना इसको, जब हमने CO2 की सांद्रता को बढ़ाया तब प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ी है, तब प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अभी CO2 क्या है, सीमाकारी कारक है, CO2 सीमाकारी कारक है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ी है। क्यों, CO2 की सांद्रता बढ़ाने पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ी है। हमने कितनी बढ़ाई, क्यों बढ़ी है, क्योंकि पत्ती ने क्या किया, उपभोग की दर बढ़ा दी, CO2 की मात्रा अधिक थी इसलिए उपभोग की दर बढ़ा दी। अभी भी यहाँ पर जो प्रकाश की तीव्रता वो एक निश्चित है, एक न्यूनतम, आप निम्न प्रकाश तीव्रता कह सकते हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैंने क्या किया, और CO2 की सांद्रता बढ़ाई, और CO2 की सांद्रता बढ़ाई, लेकिन ये बढ़ेगी नहीं, अब ये कितनी रहेगी, इतनी ही रहेगी, ये कितनी रहेगी, इतनी ही रहेगी। क्यों, क्योंकि इसकी लिमिट इतनी है, किसकी, किसकी लिमिट इतनी है, पत्ती की, 5 mg CO2 पर घंटा, उस निश्चित प्रकाश तीव्रता पर, उस निश्चित प्रकाश तीव्रता पर, उस पत्ती की जो कैपेसिटी हो कितनी है, 5 mg CO2 पर घंटा, चाहे आप ये कितनी बढ़ा दो, इतनी है। और यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर जो डायग्राम में ऊपर देखो, डायग्राम में एक हमारे पास कर्व आएगा, कौन सा कर्व आएगा, ये देखो कर्व आएगा एक BCC, BCC वाला कौन सा है, BCC वाला यही है, BCC जो लाइन दिख रही है वो कौन सी, यही है। इस स्थिति में हम क्या कर रहे हैं, CO2 की सांद्रता लगातार बढ़ा रहे हैं, इधर ये CO2 की सांद्रता बढ़ रही है ना, ये लगातार बढ़ा रही है, CO2 की सांद्रता बढ़ रही है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण नहीं बढ़ रहा है, नियत है। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण क्या है, नियत है, नियत, प्रकाश संश्लेषण यहाँ पर क्या है, नियत है, प्रकाश संश्लेषण नियत है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। CO2 की सांद्रता मैं बढ़ा रहा हूँ लेकिन उपभोग की दर नहीं बढ़ रही है, BCC लाइन जो आ रही है वो किसके, प्रकाश संश्लेषण नियत है। इस स्थिति में जो ये BOC लाइन है, इस स्थिति में सीमाकारी कारक कौन सा है, इस स्थिति में सीमाकारी कारक कौन सा है, निम्न प्रकाश तीव्रता, निम्न प्रकाश तीव्रता सीमाकारी कारक कौन सा है, निम्न प्रकाश तीव्रता, यहाँ हमने लिखा है पॉइंट के रूप में, पॉइंट ए है वहाँ पर सीमाकारी है CO2, पॉइंट ए के ऊपर सीमाकारी कारक कौन सा, CO2 की सांद्रता, पॉइंट बी से जो सी है, यहाँ पर पॉइंट बी सी है, पॉइंट बी सी है वहाँ पर सीमाकारी कौन सा है, निम्न प्रकाश तीव्रता, निम्न प्रकाश तीव्रता, और डी से ई है वहाँ पर है मध्यम प्रकाश तीव्रता, और एफ से जी है वहाँ पर है उच्चतम प्रकाश तीव्रता। क्यों, आगे बताता हूँ क्यों है, BC लाइन पर सीमाकारी कारक निम्न प्रकाश तीव्रता है। अब निम्न प्रकाश तीव्रता है यहाँ पर, CO2 की मात्रा कितनी बढ़ा दो, हमने बढ़ा दी यहाँ पर, कितनी बढ़ा दो, पत्ती की उपभोग की दर नहीं बढ़ेगी, वो कब बढ़ेगी,
जब हम निम्न प्रकाश तीव्रता को बढ़ाकर मध्यम प्रकाश तीव्रता में ले जाए, यानी निम्न प्रकाश तीव्रता को हम यदि मध्यम प्रकाश तीव्रता यानी प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दे, अब हम प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से क्या चेंज होगा? प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से जो पत्ती की उपभोग की दर है वो बढ़ जाएगी, या 5 mg थी यहाँ पे 5 से 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है। जब ये दर बढ़ जाएगी, जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर पत्ती की उपभोग की दर बढ़ जाती है, तब इसका रिजल्ट क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और वो ग्राफ से कहाँ दिख रही है शो? वो दिख रही है बी से डी। तो इसी बी से डी जो लाइन दिख रही है वो क्या है? प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि वहाँ पर बी से डी नहीं, डी से एफ, बी से डी बढ़ी है। वो कब बढ़ी है? जब निम्न प्रकाश की तीव्रता है, बी से डी जो बढ़ी है, बी से डी ये जो बढ़ रहा है प्रकाश, देखो प्रकाश संश्लेषण ऊपर की तरफ, ये प्रकाश संश्लेषण बढ़ रहा है, ये किसकी वजह से बढ़ रहा है? प्रकाश की तीव्रता को हमने मध्यम प्रकाश तीव्रता की ओर बढ़ाया, तब ये प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ी है। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ रही है बी से डी बढ़ गई। अब हम CO2 की सांद्रता और बढ़ा रहे हैं, CO2 की सांद्रता बढ़ा रहे हैं, लेकिन पत्ती की उपभोग की दर 7 है, 7 से ऊपर नहीं जाएगी, यानी डी तक। आप डी पॉइंट पर जाओगे तो डी पॉइंट पर कितनी है? डी पॉइंट पर CO2 की सांद्रता कितनी है? 7 mg CO2। बी पर कितनी थी? 5 mg CO2। 7 पर कितनी, डी पर कितनी है? 7 है। ये 7 यहाँ इस मध्यम प्रकाश तीव्रता के लिए मैक्सिमम है, यानी इस मध्यम प्रकाश तीव्रता पर 7 mg CO2 से अधिक उपभोग पत्ती नहीं कर पाएगी। तो प्रकाश के संश्लेषण की दर है डी से ई तक, डी से ई तक क्या रहेगी? नियत रहेगी, स्थिर रहेगी। ये यहाँ देखो डी से ई तक ये स्थिर रहेगी। इस कंडीशन में फिर वापस प्रकाश की तीव्रता एक सीमाकारी कारक की तरह बिहेव करेगी, सीमाकारी कारक की तरह बिहेव करेगी। फिर हम क्या करेंगे? फिर आगे प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाएंगे, तो पुनः पत्ती की जो उपभोग की दर है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पर 7 थी, 7 से वो 10 भी हो सकती है, 10 mg CO2 हो सकती है, 11 mg, 20 mg, 15 mg कितने भी हो सकती है, यानी बढ़ रही है। तो बढ़ेगी CO2 की सांद्रता, तो पहले से हमने बढ़ा रखी है, पत्ती की उपभोग दर बढ़ रही है, पत्ती की उपभोग दर बढ़ेगी तो पुनः प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ेगी डी से एफ तक। वापस प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ेगी एफ तक जाके फिर वापस नियत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एफ अधिकतम उपभोग दर कितनी है? 10 mg है या 12 mg, वहाँ जाके स्थिर हो जाती है वापस प्रकाश संश्लेषण दर। क्यों? क्योंकि पत्ती अधिक CO2 नहीं ग्रहण कर पाएगी, प्रकाश की तीव्रता उच्चतम कर दी हमने, प्रकाश की उच्चतम तीव्रता के ऊपर जो CO2 की जो अधिकतम मात्रा है उपभोग करने की वो कितनी है? 10 mg, इससे ज़्यादा वो CO2 अधिक ग्रहण नहीं करेगी पत्ती, और प्रकाश संश्लेषण दर फिर आगे नहीं बढ़ेगी, वो अधिकतम है। तो ये जो हमने आपको बताया प्रकाश संश्लेषण वाला, इससे हमारे पास क्या निष्कर्ष निकल कर आते हैं, क्या निष्कर्ष हम इससे निकालते हैं? पहला निष्कर्ष, प्रकाश संश्लेषण केवल एक कार्य को, किसी एक कार्य को बढ़ाकर नहीं बढ़ाया जा सकता। हमने यहाँ एग्जांपल में देखा है CO2 की सांद्रता भी हमें बढ़ानी पड़ेगी, साथ में प्रकाश की तीव्रता भी हमें बढ़ानी पड़ेगी, दोनों ही कंडीशन में लागू करनी पड़ेगी, तभी वो अनुकूल प्रभाव हमें मिलेंगे, तभी प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ेगी। CO2 और प्रकाश के अलावा अन्य कारक भी, जैसे तापमान है, जल है आदि, प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करते,
कुछ विशेष परिस्थितियों में वो भी सीमाकारी कार्य की तरह बिहेव कर सकते हैं, वो भी सीमाकारी कार्य की तरह बिहेव कर सकते हैं। सीमाकारी कारकों का जो सिद्धांत है वो केवल कारकीय क्रियाओं में अप्लीकेबल होता है। कौन सी क्रियाओं में? कारकीय क्रियाओं में अप्लीकेबल होता है जो एक से अधिक कारकों द्वारा प्रभावित होती है। यदि कोई कारक अल्प मात्रा में है तो जरूरी नहीं कि वो सीमाकारी कारक है। ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यदि एक कारक अल्प मात्रा में है तो जरूरी नहीं कि वो सीमाकारी कारक हो, जरूरी नहीं कि वो सीमाकारी कारक हो, क्योंकि इस कारक की आवश्यकता अल्प मात्रा में ही हो, क्योंकि उस कारक की आवश्यकता ही अल्प मात्रा में हो और उतनी मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए वो सीमाकारी नहीं हो सकता। और कोई ऐसा पदार्थ जो खूब सारी मात्रा में है लेकिन उस पदार्थ की आवश्यकता उससे भी अधिक उसको है, तब वो सीमाकारी कारक हो सकता है, तब वो सीमाकारी कारक हो सकता है। इस सिद्धांत के कुछ अपवाद है, कुछ क्रिटिसिज्म है। कुछ साइंटिस्ट ने क्रिटिसिज्म दिए, क्या दिए कि उन्होंने ये बताया कि प्रकाश संश्लेषण की जो दर वो एकदम से नियत नहीं होती। यहाँ पर जो डायग्राम में आपने देखा था, बी से सी देखा था आपने, इधर देखो बी, ये जो डायग्राम है बी से सी देखा था आपने, डी से ई देखा था, एफ से जी देखा था। यहाँ पर हमने एक नियत शो किया था प्रकाश संश्लेषण दर, जबकि नियत नहीं होती, वो धीरे धीरे कम होती है और धीरे धीरे बढ़ती है। तो ये सीमाकारी कारकों के सिद्धांत का एक अपवाद आप कह सकते हो कि अपवाद है ये। अगला जो हमारा सिद्धांत है वो कौन सा है? सेपर्ट का सहनशीलता या सहिष्णुता का नियम। सेपर्ट का सहनशीलता या सहिष्णुता का नियम। टॉपिक थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के हिसाब से अच्छे से इसको थोड़ा सा मन लगा के पढ़ोगे तो ये याद हो जाएगा। क्या है सेपर्ट का सहनशीलता या सहिष्णुता का नियम? ये सेपर्ट ने 1903 में शो किया था, 1903 में प्रदर्शित किया था। इसके अनुसार किसी जीव के बने रहने, इसके अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, किसी जीव के बने रहने या उसकी सफलता के लिए ना केवल पदार्थ या अवस्था की न्यूनतम मात्रा ही नहीं बल्कि अधिकतम मात्रा भी सीमाकारी कारक की तरह व्यवहार करती है। कहने का तात्पर्य यह है, हमने पिछले सिद्धांतों में क्या देखा कि मिनिमम मात्रा, न्यूनतम मात्रा, लेकिन कारकों की अधिकतम मात्रा भी सीमाकारी कारक की तरह बिहेव कर सकती है। यदि किसी पदार्थ की मात्रा अत्यधिक है, बहुत ज़्यादा है, तब भी वो किसी विशेष परिस्थिति में उस पौधे की वृद्धि के लिए, उस जीव के जीवन के लिए घातक हो सकती है, असहिष्णु हो सकती है, असहनशील हो सकती है। इसलिए सेपर्ड ने जो सिद्धांत दिया वो क्या है, सहनशीलता का या सहिष्णुता का, यानी सहन करने की शक्ति। एक कोई भी जीव या कोई भी पादप एक निश्चित वातावरणीय दशा को ही सहन कर सकता है, एक रेंज को, एक लिमिट को, कि इतनी ही लिमिट में वो जीवित रह सकता है वातावरणीय कारकों की। जैसे तापमान की बात करें तो एक निश्चित तापमान की जो रेंज होती है उसी रेंज में जीव जीवित रह सकता है। उससे अधिक होगा तो भी वो जीवित नहीं रहेगा, उससे कम होगा
तो भी वो जीवित नहीं होगा। एक जाति की उपस्थिति एक पारिस्थितिकी तंत्र में, पारिस्थितिकी तंत्र में एक जाति की उपस्थिति, उसकी बाहुल्यता, उसका वितरण एक या एक से अधिक भौतिक अथवा रासायनिक कारकों जो कि उस जाति की सहिष्णु क्षमता की सीमा के अंदर हो द्वारा निर्धारित की जाती है। यानी किसी जाति की उपस्थिति हमें मालूम करनी हो उनके अस्तित्व की, उसकी वितरण की, तो उनके जो वातावरणीय कारक है उसमें वो उनको कितना सहन कर रहा है, उनकी जो सीमा है वातावरणीय कारक को, उसके आधार पर उसकी बाहुल्यता, उसका वितरण निर्धारित होता है। ये नियम मुख्य रूप से वातावरणीय कारकों पर लागू होता है। किन पे लागू होता है? वातावरणीय कारकों के ऊपर, जैसे प्रकाश है, जल है, प्रकाश है, जल है, तापमान है, सहनशीलता की जो सीमा होती है, सहनशीलता की जो सीमा होती है वो प्रत्येक जीव के लिए भिन्न भिन्न हो सकती है, प्रत्येक जीव के लिए भिन्न भिन्न हो सकती है। इस नियम के कुछ सहायक नियम भी है, इस नियम के सहायक नियम भी है, जो कितने, टोटल 5 हैं। पहला है सहिष्णु क्षमता, दूसरा है वितरण प्रणाली, तीसरा है सहिष्णु सीमा, चौथा है भौगोलिक स्थिति व मौसम, पांचवा है निर्णायक प्रजनन काल। ये 5 सहायक नियम है। सहनशीलता का जो सिद्धांत है, सेल्फोर्ड ने जो सिद्धांत दिया था, उसके 5 सहायक नियम है। सहिष्णु क्षमता, वितरण प्रणाली, सहिष्णु सीमा, भौगोलिक स्थिति व मौसम, निर्णायक प्रजनन काल। सहिष्णु क्षमता क्या होती है? सहन करने की क्षमता। एक जीव की सहन करने की क्षमता प्रत्येक वातावरण के लिए भिन्न भिन्न हो सकती है, प्रत्येक वातावरणीय कारण कारक के लिए। पहला नियम क्या करता है? प्रत्येक वातावरणीय कारक के लिए सहनशीलता की क्षमता भिन्न भिन्न हो सकती है, किसी कारक के लिए अधिक हो सकती है और किसी कारक के लिए कम हो सकती है। जैसे कोई जीव तापमान की अत्यधिक रेंज को सहन कर सकता है और कोई जीव तापमान की बहुत कम रेंज को सहन कर पाता है। तो ये क्या हो गई? अलग अलग कारकों के लिए अलग अलग सहिष्णु क्षमता हो गई। दूसरा है वितरण प्रणाली। वितरण प्रणाली जिन कारकों के लिए किसी जीव की सहनशीलता अधिकतम होती है, उनके लिए जो वितरण प्रणाली होती है वो भी अधिकतम होती है। जैसे कोई जीव है वो तापमान की भी अधिक रेंज सहन कर सकता है। वितरण प्रणाली में क्या हम देखते हैं? जैसे तापमान है, प्रकाश है, जल है, ये 3 कारक मैंने यहाँ लिए। कोई जीव है प्रकाश की अधिकतम रेंज, यानी बहुत कम प्रकाश में भी जीवित रह सकता है और प्रकाश के बहुत अधिक मात्रा में भी जीवित रह सकता है, तापमान की सॉरी, ऐसे प्रकाश अधिकतम तीव्रता में भी जीवित रह सकता है, निम्न तीव्रता में भी जीवित रह सकता है। ऐसे जल स्वच्छ जल में भी रह सकता है और महासागरीय जल या लवणीय जल में भी रह सकता है। तो यहाँ पर इस जीव के लिए सभी कारकों के लिए या कई कारकों के लिए
जो सहनशीलता की सीमा है। सहनशीलता क्या क्षमता है, वह सीमा है, वो अधिकतम है। तो इसकी वितरण प्रणाली भी क्या होगी, अधिकतम होगी। इसकी जो इष्टतम अधिकतम है, वितरण क्या है इसके लिए, अधिकतम है। वितरण इष्टतम है, अधिकतम है, ये दूसरा वितरण प्रणाली, दूसरा नियम ये कहता है। तीसरा नियम है सहिष्णु सीमा, यानी एक निश्चित सीमा तक ही वो सहन कर सकते हैं। सहन करने की क्षमता एक निश्चित रेंज में ही होती है। किसी जीव के लिए एक कार्य के लिए सहन करने की क्षमता, यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में कम होती है तो दूसरे कार्य के लिए भी कम हो जाती है। जैसे मैं बात करूं, एक एग्जांपल मैं आपके सामने लूं, भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा कम हो गई, भूमि नाइट्रोजन की मात्रा कम हो गई तो घास सूख जाती है, यानी क्यों, क्योंकि सूखने के प्रति जो प्रतिरोधकता होती है वो कम हो जाती है। सूखने के प्रति जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है, वो कम हो जाती है, इसलिए घास सूख जाती है। तो यहाँ पे दो कारक हैं, कौन कौन से, एक तो नाइट्रोजन, दूसरा प्रतिरोधक क्षमता सूखने के प्रति। जब एक कारक कम हुआ प्रतिकूल परिस्थितियों में, एक कारक कम हुआ प्रतिकूल परिस्थितियों में, तब दूसरा कारक भी कम हो गया जिससे घास सूख गई। तो ये क्या है, सहिष्णु सीमा है। इस सीमा में एक कारक की सीमा परिवर्तित होने से दूसरे कारक की सीमा भी परिवर्तित हो जाती है। चौथा, भौगोलिक स्थिति और ताप मौसम। एक ही जाति एक ही है, लेकिन यदि पारिस्थितिकी परिस्थितियाँ हैं, भौगोलिक सीमाएँ वो बदल रही है, तब किसी एक कारक के लिए सहनशीलता की सीमा बदल सकती है। सहनशीलता की क्षमता बदल सकती है, यदि भौगोलिक स्थिति बदल रही है तो सहनशीलता की सीमाएं भी बदल जाती है। ये भौगोलिक स्थिति व मौसम है। पांचवा है निर्माण व प्रजनन काल। पांचवा है निर्माण या प्रजनन काल। जब भी वातावरणीय कारक सीमाकारी कारकों की तरह सक्रिय होते हैं तब जीवधारी का प्रजनन काल एक निर्णायक अथवा क्रांतिक प्रावस्था में आ जाता है। यानी जब वातावरणीय कारक सीमा कारकों की तरह बिहेव करते हैं तब वहाँ पर प्रजनन काल भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे बात करें, बीज है, बीज है, अंडे है, भ्रूण है, लार्वा, इनकी बात करें, इनके लिए सहनशीलता की क्षमता जो होती है, सहनशीलता की क्षमता वो कम होती है किसकी तुलना में, जो अप्रजननशील जीवों की तुलना में। यानी एक तरह से वयस्क जो जीव होते हैं उनकी तुलना में, दूसरे स्थिति में कह सकते हो, इनकी सहनशीलता की क्षमता या सीमा कम होती है। दूसरे शब्दों में कहें, सभी प्राणियों की जो ये अवस्थाएं होती है, इन अवस्थाओं में सहनशीलता की क्षमता वयस्क की अवस्थाओं की तुलना में कम होती है। उदाहरण के तौर पर हम देखें, ब्लू क्रेब, ब्लू क्रेब और समुद्र में रहने वाले अन्य जीव कुछ समय के लिए स्वच्छ जल में रह सकते हैं, ये स्वच्छ जल में रह सकते हैं, परंतु इनके जो लार्वा होते हैं
वो स्वच्छ पानी में नहीं रह पाते हैं, वो स्वच्छ पानी में नहीं रह पाते हैं, इसलिए ये ब्लू क्रेब नदी में प्रजनन नहीं कर सकती है, इनको समुद्र में जाना पड़ता है। अर्थात यहाँ पे नदी का वातावरण है वो सीमाकारी कारक है। किस जो जीवधारी किसी कारक के लिए अल्प सहनशीलता की परास या सीमा रखता है तो उसके लिए अल्प या तनु शब्द यूज करते हैं। यदि किसी जीव के लिए किसी भी कारक के लिए सहनशीलता कम है तब हम तनु शब्द का यूज करते हैं, और सहनशीलता अधिक है तब हम पृथु शब्द यूज करते हैं। जैसे तापमान की बात करें, यदि कोई जीव तापमान के कम रेंज में रह पाता है तब हम उसको क्या कहते हैं, तनुतापी या अल्पतापी। इंग्लिश में कहूँ तो स्टीनो थर्मल, और तापमान की अधिक रेंज में, कम रेंज में है तब तो तनुतापी, और अधिक रेंज में तब पृथुतापी। तब उसको हम क्या कहते हैं, पृथुतापी। ऐसे ही हम लवण या नमक के लिए लेयर ले सकते हैं, अधिक रेंज वाले को हम कहते हैं पृथु लवणा नु कुले, और कम वाले को तनु लवणी, या इसको पृथु लवणी भी कह सकते हैं। ये सेल्फोर्ड के सहिष्णुता का सिद्धांत है। यहाँ पे एक डायग्राम को देखते हैं हम, ये कारकीय सहिष्णुता है, या इसको हम वातावरणीय ग्रेडियंट या ताप प्रकाश पोषक भी ले सकते हैं। इधर उच्च स्थिति है, इधर निम्न स्थिति, इन तापमान, इधर एक निम्न तापमान की निम्न स्थिति है, इधर तापमान की उच्च स्थिति है। ये कोई जीव है, ये इष्टतम सीमा है यानी अनुकूलतम सीमा है। इस सीमा में जीव के जीवित रहने की संभावना सबसे अधिक होती है। वो कौन सा भी हो सकता है, तापमान की सीमा भी हो सकती है, ये प्रकाश की सीमा भी हो सकती है, पोषक की सीमा भी हो सकती है। इससे थोड़ी सी कम हो गई तब वहाँ जीव बहुत कम रह रहे हैं, इसको हम कारकीय दुआब क्षेत्र कहते हैं, और थोड़ी सी अधिक हो गई तब भी जीव की संख्या बहुत कम है, इसको भी हम कारकीय दुआब क्षेत्र कहते हैं। लेकिन यदि बहुत ज़्यादा हो गई, वातावरणीय कारकों की सीमा बहुत ज़्यादा हो गई, तब वहाँ पर जीव जीव नहीं रह पाएगा, इसको असहिष्णु क्षेत्र कहते हैं। इसी प्रकार बहुत कम हो गई तब भी वहाँ पर जीव जीव नहीं रह पाएगा, और उसको असहिष्णु क्षेत्र कहते हैं। तो ये सल्फोर्ड का सहिष्णुता का सिद्धांत है। इसका महत्व है, इन कारकों का महत्व क्या है, इन कारकों का बहुत महत्व है।